अब ये प्रॉब्लम क्या होता है डाइनिंग फिलोसोफर, ये मल्टीपल प्रोसेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इसको डाइनिंग टेबल समझ लो, ये सर्कुलर एक डाइनिंग टेबल है, उसमें कोई पांच फिलोसोफर खाने बैठे हैं। दिस ऑल फाइव आर माय फिलोसोफर, ठीक है, इसको कॉमन इंसान नहीं बोल सकते, फिलोसोफर्स बोल रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये लोग जो खाने बैठे हैं, हर एक के पास अपनी खुद की प्लेट है, ठीक है, सो हर एक फिलोसोफर को खाने के लिए अपनी खुद की प्लेट है, ध्यान से समझ लेना। और उसके साथ उनके पास फॉर्क है, ठीक है, दिस इज योर फॉर्क। ओके, सो कंसेप्ट इज व्हाट कि फिलोसोफर या तो खा सकते हैं या तो सोख सकते हैं। हर फिलोसोफर के पास सिर्फ दो ही काम है, या तो दे कैन थिंक, जब उनको भूख नहीं लगी तब वो सोचेंगे कुछ ना कुछ, या तो वो खाएं। ठीक है, खाने के लिए स्पेसिफिकली फॉर ईटिंग दे रिक्वायर टू फॉर्क। ओके, सो पर फिलोसोफर रिक्वायर टू फॉर्क्स फॉर ईटिंग। तो ध्यान से समझ लो, हर फिलोसोफर, लेट्स से ये फिलोसोफर P1 है, ये फिलोसोफर P2 है, ये फिलोसोफर P3 है, ये P4 है, ये P5 है। हर फिलोसोफर या तो सोच सकता है या तो खा सकता है, ध्यान से समझ लेना ये चीज, दो में से कोई एक काम ही कर सकता है। अगर वो सोच रहा है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो शांति से अपने हिसाब से करता है। अगर वो खा रहा है, इट मीन्स इट रिक्वायर्स टू फॉर्क। ठीक है, अब हमारे पास टोटल पांच फॉर्क है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्क जो है वो पांच है। तो मान लो अगर P1 को खाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्क नंबर F0 है और जो फॉर्क नंबर F1 है, वो दोनों फॉर्क उसको चाहिए। अगर P1 को खाना है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्क और राइट हैंड साइड की फॉर्क, दोनों फॉर्क उसको चाहिए। ओके, सो अगर किसी को भी खाना है तो उसको दो फॉर्क चाहिए होगी, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, जो उसके आजू बाजू वाले होगी वही फॉर्क वो लेगा। ओके, या सो बेसिकली 5 इज फॉर एग्जाम्पल, बट जनरली ये काम 5 के लिए ही चलता है। सो बेसिकली टेक इन टू कंसिडरेशन, 5 जो यहाँ पर लिया है वो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, बट इसको आप लोग एक बड़े वर्जन पे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो बेसिकली 5 फॉर्क है जो कॉमन है टू एवरी पर्टिकुलर फिलोसोफर। ओके, एंड जो भी पर्टिकुलर फिलोसोफर है उसको अगर खाना है तो उसको खाने के लिए स्पेसिफिकली दो फॉर्क का ही जरूरत पड़ेगा, उसके अलावा वो नहीं खा सकता। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड रूल विच इज यूज। ठीक है, सो हमारे पास है ऐसी फॉर्क। ओके, सो अब यहां पर समझ लो कि जो फिलोसोफर्स है, इसको जनरल भाषा में अगर मैं बोलू तो जो फिलोसोफर्स है उसको आप प्रोसेस समझ लो। ठीक है, तो पांच प्रोसेसेस है, अब ध्यान से समझ लो कि कैसे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उसके दो टास्क है, हर प्रोसेस के कोई ना कोई टास्क होते हैं, ये समझ लो कि उसके दो टास्क है, या तो वो सोचेगा या तो वो खाएगा, सिंपल लॉजिक है। अगर वो खाएगा तो कॉमन रिसोर्सेस को हैंडल करेगा, तो वो खा रहा है तो उसको कॉमन जो फॉर्क है वो कॉमन रिसोर्सेस है,
तो फॉर का आप समझ लो दिस आर द कॉमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो अगर वो खाएगा तो वो कॉमन रिसोर्सेज का यूज करेगा, विच इज शेयर्ड अमंग ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। ओके, ये है प्लेट जो है ये ईच प्रोसेस रिसोर्स, मतलब हर एक प्रोसेस के पास उसकी खुद की एक प्लेट है, तो उसको प्लेट के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, प्लेट उसके पास खुद ही रहेगी, ठीक है। फॉर एक कॉमन रिसोर्स है, तो बेसिकली यू कैन थिंक के दे ईट जो है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि ईट जो है वो क्या कर रहा है, एक कॉमन रिसोर्सेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस इन सच अ वे कि हर एक जो फिलोसोफर है अगर उसको खाना है तो उसको दो फॉर्क चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि P1 ने फॉर्क ऑफ 0 फॉर्क ऑफ 1 को उठा लिया, ठीक है, अगर उसी टाइम पे P2 को खाना है तो वो नहीं खा सकता, ठीक है। इफ P1 इज ईटिंग, मतलब फिलोसोफर वन समझ लो या प्रोसेस वन समझ लो, जो भी समझना है दोनों एक ही है, ठीक है। इफ P1 इज ईटिंग देन P2 कांट ईट, ठीक है। क्यों नहीं खा सकते वो, क्योंकि P1 ने कौन सा फॉर्क लेके रखा है, F1 लेके रखा है, P1 has already taken the F1 fork, okay, and P2 won't be getting this F1 fork, basically, okay, so P1 अगर खा रहा है, जब तक वो खाए के अपने दोनों फॉर्क को रखेगा नहीं, रिसोर्सेस को रिलीज नहीं करेगा, तब तक P2 नहीं खा सकता, okay, perfect, तो हर एक प्रोसेस का अगर कोई प्रोसेस खा रहा है, तो उसका एडजेसेंट प्रोसेस खाना नहीं खा सकते, सिंपल, okay. सिमिलरली आप बोल सकते हो P5 भी ईट नहीं कर सकता, अगर P1 इज ईटिंग देन P5 कांट ईट, ठीक है। एनीबडी लेट मी नो कि भाई मैक्सिमम कितने फिलोसोफर्स या कितनी प्रोसेस कैन ईट एट द सेम टाइम। जैसे मैंने बोला कि अगर P1 खा रहा है तो P2 नहीं खा सकता, मैक्सिमम हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन ईट एट द सेम टाइम, ओके सिंपल, सो मैक्सिमम यहां पर दो प्रोसेस हो सकती है विच कैन ईट एट द सेम टाइम। So basically you can say in this we have a maximum two processes which can eat at same time. Okay, so हमारे पास max to max दो प्रोसेस हो सकती है जो खाना एट द सेम टाइम खा सकते हैं। बट दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि फॉर्क जो है वो कॉमन रिसोर्सेज है, ठीक है, और ये जो कॉमन रिसोर्सेज है अपने पास, ये सारे के सारे कॉमन रिसोर्सेज को मुझे हैंडल करना है अमॉन्ग दी फाइव प्रोसेस, ओके या सिंपल, ओके। सो हर पर्टिक्यूलर फिलोसोफर सबसे पहले क्या करेगा, उसके आइट वाली फिलोसफी को वेट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलोसोफर बोला है P1, P2, P3, P4, P5, इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4 के नाम से जाने जाते हैं, और ये F0, F1, F2। तो अगर मान लो ये P0 है, ओके, तो P0 लेफ्ट हैंड साइड का लेगा, और ये मान लो ये P0 है अगर, तो P0 F0 को लेगा और F1 को लेगा। तो बेसिकली जब भी अगर उसको खाना है तो इट विल वेट फॉर बोथ द चॉपस्टिक, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अ कंसेप्ट इन विच वेट फॉर टू चॉपस्टिक विच इज बेसिकली लेफ्ट and right for it, ठीक है, और after eating releases two chopsticks, in same manner.
ओके देन ही कैन थिंक. सो दिस इज हाउ द फिलोसोफर कैन एबल टू कंटिन्यू. तो ये हर एक फिलोसोफर अपनी लेफ्ट और अपनी राइट की चॉपस्टिक के लिए वेट करेगा जब उसको खाना है. अगर उसको नहीं खाना है तो सीधा वो सो सकता है. नथिंग एल्स. ओके ये पूरा के पूरा काम उसको नहीं करना है इफ इट डोंट वॉन्ट टू ईट. ईट इज बेसिकली अ पोर्शन रिलेटेड विद द यू कैन से क्रिटिकल. ओके सो दिस कुड बी द कंसेप्ट विच वी आर फॉलोइंग. ओके सो मॉड्यूलो बाय 5 हमने क्यों किया. सिंपल लॉजिक है. देखो आई है आई प्लस वन मॉड्यूलो बाय 5. जो फिफ्थ वाला प्रोसेस है समझ लो. जो फिफ्थ वाला प्रोसेस है पी ऑफ 4 वो 4 प्लस 1 5 मॉड्यूलो बाय 5 क्या हो जाएगा 0 और 4 का वेट करेगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द मॉड्यूलो बाय 5. ओके या टोटल 5 है इसके लिए. सो चॉपस्टिक नंबर हमेशा 0 से रहते हैं. तो हमेशा कोई भी चीज अगर आप प्रोग्रामिंग में करोगे अरे में तो वो 0 से काउंट होता है. सो वी नीड टू काउंट इट फ्रॉम 0. तो ये जो P1 P2 है वो भी 0 P1 P2 P0 P1 P2 P3 P4 कंसीडर होता है. ओके सो दिस वुड बी दिस कंसीडर्ड लाइक दिस. सो नाउ लेट्स सी अगर इस तरह से किया तो P1 है. P1 ने वेट किया लेट्स से P0 P0 ने वेट किया फॉर फॉर्क ऑफ 0. मतलब उसने क्या किया. ओके सो वेट फॉर्क ऑफ 0 किया. मतलब उसने क्या किया बेसिकली फॉर्क ऑफ 0 की वैल्यू 0 कर दी. ओके यहां से कंटेक्स्ट स्विच हुआ P1 पे. फॉर एग्जांपल अब P1 भी क्या करेगा. मान लो इसके बाद अगर मेरा कंटिन्यूस कंटेक्स्ट स्विच हो गया. ठीक है. सो वेट बेसिकली एक जो रहता है हर एक वेट खुद ब खुद एक एटॉमिक ऑपरेशन होता है. सिंपल. सो P1 रहा उसने क्या किया वेट फॉर्क ऑफ 1 कर दिया एट द सेम टाइम. तो उसने फॉर्क ऑफ 1 की वैल्यू को 0 कर दिया. ठीक है. सिमिलरली उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ P2 पे. उसने P कर दिया फॉर्क ऑफ 2 को. ओके फिर उसके बाद P3 आया. उसने P या मतलब वेट कर दिया फॉर्क ऑफ 3 को. एंड देन उसके बाद लेट्स से P4 आया. उसने P कर दिया फॉर्क ऑफ 4 को. ठीक है. हर एक प्रोसेस को खाने का इच्छा हुआ. हर एक प्रोसेस ने फॉर्क की वैल्यू को 0 कर दिया. नाउ इफ यू कैन चेक देयर इज अ डेडलॉक. कैसे डेडलॉक. P0 है वो यहीं पे ब्लॉक हो गया. वो कौन सा डिमांड कर रहा है नाउ. P0 कौन सा डिमांड करेगा 0 प्लस 1 मॉडुलो बाय 5 विच इज 1. ओके तो ये डिमांड करेगा f(1) का लेकिन उसको नहीं मिलेगा. ये किसका डिमांड करेगा 2 का. ये उसको नहीं मिलेगा. ये डिमांड करेगा 3 का वो नहीं मिलेगा. ये डिमांड करेगा 4 का वो भी नहीं मिलेगा. और ये भी उसको नहीं मिलेगा. 4 डिमांड करेगा 0 का वो भी उसको नहीं मिलेगा. सो बेसिकली बाय दिस सॉल्यूशन देयर इज अ डेडलॉक. डेडलॉक बहुत सिंपल सा है कि हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रही है और दूसरी पहली प्रोसेस के लिए वेट कर रही है वापस. तो ये एक सर्कुलर डेडलॉक वाला सिनेरियो. ठीक है. सो बाय दिस वे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई पूरे प्रोसेस में डेडलॉक हो जाए. ठीक है. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. तो ना कोई सोच पाएगा ना कोई खा पाएगा. ठीक है. दिस सिनेरियो वुड ऑकर अगर सबको एक साथ क्या करना है खाना है. ओके सिंपल लॉजिक. सो दिस वुड बी द कंसेप्ट विच कैन फॉल बाय हियर बाय दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके सो इसीलिए देयर इज वन मोर सॉल्यूशन विच वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर इट. ओके सो यहां पर क्या किया हमने जो पूरा के पूरा एक टेक फॉर्क फंक्शन है और पुट फॉर्क फंक्शन है उस पूरे को मैंने फंक्शन में कर दिया. अब ये क्या करेगा इफ दी इफ बोथ द फॉर्क्स आर नॉट अवेलेबल
sorry, would the folks are available, then continue else release both. ठीक है, तो मान लो कि एक फॉर क्वेश्चन ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, और अगर वो फॉर्क नहीं है, मतलब दूसरा फॉर्क नहीं है, तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे नहीं. ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल रिलीज. सो अगर इसने रिलीज कर दिया तो समवन एल्स कैन एबल टू टेक द फॉर्क. ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर कंसेप्ट विच वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन फॉर डूइंग दिस पर. ओके, लेकिन यहां देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई यहां पर, चलो फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर आपके पास एक फॉर्क है, आपको दूसरी फॉर्क नहीं मिली, आपने दोनों को छोड़ और थोड़े टाइम के बाद आपने खाने का सोचा. ठीक है, उसके बाद वापस जब आपने दूसरा किया, तब हो सकता है कि आपने दूसरे नेबर ने एक और फॉर्क ले ली हो, तो आपके पास वो वाली फॉर्क ना हो. ठीक है, देन आपने फिर से दोनों को रिलीज कर दिया और वापस सोचने का सोचा. ठीक है, उसके थोड़े टाइम के बाद वापस ऐसा हुआ कि मुझे खाने की इच्छा हुई और मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखा था किसी और नेबर ने लेके रखा हो. ठीक है, तो हो सकता है आजू बाजू वाले नेबर बहुत ज्यादा भूखे हो, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हुई है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्वेशन. ओके, सो इस टाइप का सिनारियो में हमारे पास क्या हो सकता है, स्टार्वेशन पॉसिबल है. तो इट विल नॉट कॉज द डेडलॉक, क्योंकि हर कोई अपना रिसोर्सेज को पकड़ के नहीं रखता है. अगर नहीं मिला तो छोड़ दिया. मान लो कि यहाँ पर किसी एक ने भी अगर रिसोर्स को छोड़ दिया होता तो दूसरे को मिल जाता, वो खत्म करके फिर वापस आगे हो जाता. ठीक है, सो द पॉइंट इज इट विल नॉट कॉज द डेडलॉक, बट दैट इज अ स्टार्वेशन पॉसिबिलिटी. ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी को खाने का मौका ही ना मिले और वो भूखा ही मर जाए. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव अ पर्टिकुलर कंसेप्ट which is handling which is bounded with external. So her particular process mein we are having a bounded waiting which we need to do external. Yahan par by default aapke paas bounded waiting nahi hai, to ye mujhe usko externally handle karna padega for handling this particular stuff. Okay, so this is the concept which we need to take into consideration for these dining philosophers. Okay, so dining philosopher एक actual में problem है which is of the 5%. क्योंकि ये जब actual में ऐसा कुछ issue आया था, जब issue आया था 5 process के ऊपर, तो उन लोगों ने 5 process का एक ये modeling बनाया कि भैया 5 process खा रहे हैं और 5 process सोच रहे हैं. Can be anything जो उनका खुद का काम हो सकता है. और खा रहे इज समथिंग इन विच वी आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन की वो प्रोसेस अपना खुद का क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है. क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं करने को मिल रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो दैट्स वाई द इनिशियल प्रॉब्लम वॉज इज 5 process. तो उन लोगों ने पर्टिकुलर ये 5 का ये बना दिया, लेकिन इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर मोर देन 5 process. ओके, द सेम कंसेप्ट वुड वर्क फॉर देट. ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड. ओके, प्रोग्रेस बहुत सिंपल है. प्रोग्रेस यही हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस को खाना है और लेफ्ट और राइट नहीं है, तो वो सीधा उसको वेट देखना ही है कि लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है क्या. ओके, सो इट वुड एबल टू ईट इट. सिंपल बात. तो अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो, किसी को जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो डिसीजन लंबा नहीं होगा. ठीक है, जिससे भी पहले लेफ्ट और राइट फॉर्क उठा लिया वो चला जाएगा. सिंपल लॉजिक है. ठीक है, सो प्रोग्रेस वुड बी देयर, बट बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर नहीं है, तो वी नीड टू हैंडल इट एक्सटर्नल. ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्वेशन इन दिस केस. ओके, बट यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन डायरेक्टली नहीं मिलता, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर ये नहीं कहता कि भाई कोई एक ही प्रोसेस हो पाएगी. यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है. जैसे मैंने बोला कि 2 process हमारी क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है, विच कैन ईट एट द सेम टाइम, मतलब इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन.
सो यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है. इट डज नॉट मीन कि भाई हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट है वो नहीं फॉलो हो रहा. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन था फॉर टू प्रोसेसेस कंसेप्ट कि भैया कोई एक ही प्रोसेस आनी चाहिए इनसाइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. लेकिन अगर दो प्रोसेसेस अलग अलग शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिन दोनों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है शेयर्ड वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर P1 और P4, लेट से ये दोनों प्रोसेसेस आ रही है, तो P1 F0 F1 को यूज करेगा, P4 F3 F4 को यूज करेगा. तो दोनों में से दोनों शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग शेयर्ड वेरिएबल को कर रहे हैं. ओके, सो दैट वाई इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम. सो यू कैन से कंसेप्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट देयर बिकॉज यहाँ पर दो इससे ज्यादा प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन हो सकती है एट द सेम टाइम, बट लॉजिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज देयर. ओके, बिकॉज बोथ आर हैंडलिंग द डिफरेंट प्रोसेस.